गुरु केजरीवाल पर आरोप लगाने के दौरान कपिल मिश्रा हुए बेहोश। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना राजनीतिक गुरु बताने वाले आम आदमी पार्टी से निलंबित विधायक कपिल मिश्रा ने रविवार को उन पर जमकर हमले किए। पत्रकार वार्ता यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के दौरान कपिल शर्मा बेहोश तक हो गए। इसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल तक लेके जाया गया। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर 2 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा का ये जो बेहोश होने का दावा है, ये झूठा भी माना जा रहा है, पब्लिक सिटी स्टंट भी माना जा रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उन्होंने अपना अनशन तोड़ने का ये बहाना ढूंढा है ताकि उनकी किसी के सामने आँख नीवी ना हो, ताकि उन्होंने बिना किसी के कहे या किसी के दबाव में आके अपना अनशन तोड़ दिया। अब वो हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर उनको ग्लूकोज लगाएंगे, तो वो डॉक्टर्स को या पुलिस को ब्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती उनका अनशन तोड़वा दिया है। इसको ये पॉलिटिकल स्टंट भी बोल सकते हैं हम, या फिर कितनी सच्चाई है इस बात में, ये तो तभी पता चलेगी जब कुछ प्रेस या मीडिया में कुछ सामने आएगा। लेकिन अब तक जो खबरें सामने आ रही हैं उनसे यही माना जा रहा है कि कपिल मिश्रा ने ये जो एक्टिविटी की है बेहोश होने का, ये जो न्यूज़ आई है, ये एक ड्रामा है। इसमें 1% की सच्चाई नहीं है कि वो सच में बेहोश हुए थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।